हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो बच्चे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े, थोड़ा वेट कर ले, वो क्वेश्चन तब बन जाएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। क्लास 9 10th के भी बच्चों से बन जाएगा, ठीक है। वैसे 9 के सिलेबस में CBSE के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ाया क्लास 7 8 में, उससे भी बन जाएगा। देखिए क्या है, हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं, है ना। एक रेसिस्टर है कितना 100 ओम का, और दूसरा रेसिस्टर है कितना, तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए, है ना। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है। अभी इंटरनल रेसिस्टेंस वगैरह होता है, उसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिसिटी द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड। देखिए थर्मल एनर्जी क्या है आप जानेंगे बाद में, अगर आप जानते हैं अच्छी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, तो वर्क क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वर्क अगर पूरी तरह हीट में कन्वर्ट हो जाए, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो H बराबर क्या हो गया हमारा फार्मूला, क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू होता है IR। क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो हमारा क्या हो गया फार्मूला, एच इज इक्वल टू क्यू आई आर। क्या हो गया बोलिए, ये तो हो गया मैम, सॉरी ऐसे भी होगा। वैसे Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। तो Q क्या हो जाएगा, IT, एक्चुअली टाइम इंटरवल है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा IT इंटू क्या, V। तो फार्मूला हो गया VIT, या जैसे इन टाइम बोला, एक्चुअली टाइम इंटरवल की बात करी जा रही है। V की जगह हम क्या लिखेंगे, IR, और ये क्या होगा IT। तो फार्मूला हमारा हो गया I स्क्वायर RT। जो थर्मल एनर्जी या जो हीट का फार्मूला आया वो आएगा I स्क्वायर RT। लेकिन आप देखें यहाँ से जब हमारा ये जो सेल है, इससे जो करंट निकला, ये करंट, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, फिर यहाँ पे मुझे करंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा कोई फार्मूला ही इस्तेमाल ना करें जिसमें करंट का इस्तेमाल हो, या करंट का इस्तेमाल हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इतनी बात आप जानते हैं पहले से, तो अच्छी बात है। हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा V, इसके अक्रॉस भी कितना होगा V। एक्चुअली क्या होता है, वी है तो इस पार वी है, इस पार जीरो है, तो वी और जीरो का डिफरेंस तो वी आएगा ना। ये जीरो 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 जीरो, यहाँ जीरो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप कनेक्टिंग वायर में आप चलते हैं, और जब तक कोई रेसिस्टर बीच में नहीं आता है या सेल नहीं आता है, तो पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होता। तो जीरो था तो जीरो, यहाँ यहाँ वी है, यहाँ पे भी क्या वी, वी और जीरो का डिफरेंस, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है। मतलब 100 ओम और 200 ओम दोनों ही के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। मतलब अगर हम ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करें जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसमें दोनों में सेम हो, तो बेटर होगा। नहीं तो हमको फिर यहाँ पे करंट वगैरह निकालना पड़ेगा। करंट का फार्मूला क्या है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, I बराबर V बाई आर हो जाएगा, दैट इज़ V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो V स्क्वायर R बटे नीचे R स्क्वायर इंटू टी, तो R R एक कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला आया हमारा V स्क्वायर T बाई आर। आप पहले से जानते थे तो थोड़ा सा आप, मतलब इतना देखने की ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़ के देख सकते थे। चलिए जाने दीजिए, हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर टी बाई आर। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, वोल्टेज जो है दोनों के लिए सेम है, करंट दोनों के लिए सेम नहीं है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, कर सकते हैं लेकिन करंट अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो बेटर है इसको इस्तेमाल करना, तो पैरेलल में वी स्क्वायर टी बाई आर इस्तेमाल करें, और सीरीज में करंट सेम रहता है तो ये इस्तेमाल करें। तो अभी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर टी बाई आर। तो एच बराबर क्या फॉर्मूला, वी स्क्वायर टी बाई आर, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। गिवन टाइम इंटरवल है तो दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है, तो एच वन और एच टू का रेशियो क्या होगा, वी स्क्वायर टी, दोनों के लिए सेम, बटे आर वन, रेजिस्टेंस अलग अलग है, बटे वी स्क्वायर टी बटे आर टू। तो वी स्क्वायर टी विद आर टू ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा आर वन। जो पहले इस्तेमाल किया उसको आर वन माने, पहले वाला नीचे चला गया तो कितना ओम, 100 ओम, और आर टू बाद वाला कितना है, 200, वो ऊपर है। आंसर क्या हुआ, 2:1। गलती से अगर आप आई स्क्वायर आरटी इस्तेमाल करते तो आंसर 1:2 आता, जो कि आपके लिए गलत होता। तो आंसर क्या हुआ, 2:1, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं। जो नीट के मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो क्लास 9th 10th में है, ज़्यादातर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। वैसे दूसरे बच्चे भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।